उत्तर प्रदेश में इन दिनों नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही दिग्गज नेता अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करने में जुटे हैं। मोदी ने जहां वाराणसी में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बहराइच रैली में राहुल ने मोदी पर पलटवार करते हुए उनका जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गुजरात में पीएम मोदी से भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन पीएम ने मेरे सवालों का जवाब तो नहीं दिया बल्कि उनका मजाक उड़ा दिया। राहुल ने कहा कि आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ा लीजिए, पर देश के युवाओं को सवालों का जवाब चाहिए। नोटबंदी को लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि लाइन में चोर खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो चोर नहीं ईमानदार गरीब हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि जो लोग आपके साथ घूमते हैं उनके पास है काला धन, ना कि इन गरीबों के पास। किसानों के मुद्दे पर भी राहुल ने एक बार फिर पीएम को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए मोदी जी के पास एक शब्द नहीं। तो आज भी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, लेकिन जनता जनार्दन है। लोग सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत। तो यूपी के इस रण में जनता किसका साथ देगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।